हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल टुडे वी आर गोइंग टू कवर द पार्ट थर्ड द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर ठीक है तो आज हम फार्मर्स की बात करेंगे ठीक है तो लेट्स बिगिन देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में हमने कल पढ़ लिया था तो ग्रीन रिवॉल्यूशन एक चीज़ लेके आता है वो है मॉडर्न फार्मिंग तो मॉडर्न फार्मिंग क्या होता है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स क्या होते हैं उसे आज समझते हैं वट आर द मॉडर्न फिंग मैथड्स मॉडर्न फार्मिंग मैथड्स रेफर्स टू द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम करेक्टराइज बाई हाई इनपुट्स ऑफ कैपिटल लेबर हैवी यूसेज ऑफ फार्म मशीनरी सचैस थ्रैशर्स हारवेस्टर्स विनोइंग मशीन हैवी यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी सचैज सेलेक्टिव ब्रीडिंग पेस्टिस केमिकल फर्टिलइजर्स केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टीसाइड्स ठीक है देखो मॉडर्न फार्मिंग मैथर्ड्स का मतलब होता है कि आज कल जो यूज़ हो रही है मॉडर्न फार्मिंग मैथड्स एज कम्पेयर टू द प्रीवियस मैथड्स ठीक है जो ओल्ड मैथड हुआ करती थी जिसमें मैनुअल काम हुआ करता था आजकल कैसा काम हो रहा है सब कुछ मशीन से काम होता है तो इसे क्या कहा जाता है मॉडर्न फार्मिंग मैथड्स ठीक है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम को इंक्रीज़ करने के लिए क्या किया गया मॉडर्न फार्मिंग मैथड्स को लाया गया ठीक है जिसमें क्या चाहिए होता है हाई इनपुट्स ऑफ कैपिटल बहुत ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होती है लेबर की रिक्वायरमेंट होती है और क्या होता है हेवी यूसेज ऑफ फार्म मशीनरीज बहुत ज़्यादा मशीनों का यूज़ होता है किसमें फार्मिंग में ठीक है कौन कौन सी मशीन थ्रेशर हार्वेस्टर विनोइंग मशीन ठीक है थ्रेशर क्या होता है जो थ्रेशिंग करने के लिए यूज़ होता है ठीक है हार्वेस्टर कटर होता है मतलब अगर आपको फसल काटनी हो तो मशीन से कट जाएगी हार्वेस्टर होता है वो मशीन वो क्या करता है फसल को काटता चला जाता है थ्रेशर क्या होता है जिससे आप गेहूं का दाना निकालते हो अलग करते हो ठीक है जो बीज है उसको अलग करते हो और विनोइंग मशीन होता है उसे साफ़ करने की मशीन होती है ठीक है जिसमें दाने को साफ़ किया जाता है ठीक है हैवी यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी सच एज सेलेक्टिव ब्रीडिंग की जाती है पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है केमिकल फर्टिलाइजर्स इंसेक्टिसाइड तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में तुम्हें याद रखना है क्या क्या होता है हाई इनपुट ऑफ कैपिटल्स लेबर बहुत ज़्यादा ही लेबर का यूज़ होता है उसके बाद हैवी यूज़ ऑफ़ फार्म मशीन्स कौन कौन सी फार्म मशीन्स थ्रेशर हार्वेस्टर विनोइंग मशीन ठीक है उसके बाद और क्या होता है सिलेक्टिव ब्रीडिंग होती है पेस्टिसाइड्स होता है केमिकल फर्टिलाइज़र और इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ होता है ठीक है ये होता है सारी मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में देखो यहाँ पर ये दिखाया हुआ है तुम्हारा एक थ्रेशर यहाँ पर देखो यहाँ से ये तुमने शायद देखा होगा गाँव में यूज़ होता है बहुत ज़्यादा गेहूँ के दाने को अलग करने के लिए यूज़ किया जाता है ठीक है और ये है कंबाइंड हार्वेस्टर कंबाइंड कंबाइंड का मतलब क्या होता है यहाँ ये मश, ये काटता भी चलता है और सीधा साथ साथ में गेहूं के दाने को अलग भी कर रहा होता है तो इसमें तीनों मशीनें होती हैं ठीक है थीके? इसमें कौन कौन सी एक तो ये तुम्हारा हार्वेस्टर होता है ये थ्रेशर भी यही होता है और विनोयर भी यही होता है तो इसे कहा जाता है कंबाइंड ठीक है एक एन का क्वेश्चन है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर मोर इनपुट्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री डू यू एग्री क्या मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में ज़्यादा इनपुट्स की रिक्वायरमेंट होती है यानी कि आपको ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती हैं और जो कि इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर होती हैं तो आंसर है यस yes. देखो क्योंकि मशीनें यूज़ हो रही हैं तो डेफिनेटली हमें ज़्यादा इनपुट्स की रिक्वायरमेंट होगी मतलब ज़्यादा चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी ठीक है पहले क्या था आप हाथ से काट रहे थे अब किसका यूज़ कर रहे हो आप हारवेस्टर का यूज़ कर रहे हो ठीक है तो एक तरीके से आपको ज्यादा इनपुट्स की रिक्वायरमेंट होगी यस मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर मोर इनपुट्स तो देखो ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती है मैं, जो कि मैनुफेक्चर होती है इंडस्ट्री के अंदर जैसे अगर आप बात करते हैं एच वाई वी सीड्स जो हमने किस में पढ़ा था एच वाई वी सीड का मतलब क्या है हाई एल्ड वेराइटी सीड्स ठीक है इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड केमिकल फर्टिलाइजर्स ये सब कहां पर बनेंगे कहां पर मैनुफेक्चर होंगे इंडस्ट्री के अंदर ठीक है तो इन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है मॉडर्न फार्मिंग में एच वाई सीड्स की इंसेक्टिसाइड्स की पेस्टिसाइड्स की केमिकल फर्टिलाइजर्स की ठीक है ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज हो ईल्ड इंक्रीज हो पर हैक्टेयर ठीक है ये सब कहां पर मैन्युफैक्चर होती है इंडस्ट्रीज में सीड्स भी ये डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स होती हैं इन्हें भी बनाया जाता है फार्मर्स यूज फार्म मशीनरीज फार्म मशीनरीज का यूज किया जाता है जैसे कि ट्रैक्टर थ्रेशर हार्वेस्टर कंबाइंड हार्वेस्टर्स ठीक है तो ये सब मैन्युफैक्चर होती है इंडस्ट्री के अंदर ट्यूबवेल इक्विपमेंट्स well, जितने भी हैं सब कहाँ पर वाटर पंप कहाँ पर बनते हैं सब मैन्युफैक्चर होते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर तो ये आंसर क्या हो गया मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर मोर इनपुट तो आंसर है यस ठीक है किस किस चीज़ के लिए तो एग्जाम्पल तो मैं अपने हाथों पर याद हो जाने चाहिए एच वाई वी सीड्स इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड केमिकल फर्टिलाइजर्स फार्म मशीन्स ट्रैक्टर्स थ्रेशर्स कंबाइंड हार्वेस्टर्स ट्यूबवेल इक्विपमेंट्स और वाटर पंप ठीक है याद रहेगा तुम्हें ठीक अब बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ द पालमपुर कि जो ये लैंड है जमीन है फार्मिंग की बात कर चुके हैं हम लोग कि किस तरीके की फार्मिंग होती थी अब हम बात करने वाले हैं कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का लैंड डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है फार्मर्स के बीच में पालमपुर में ठीक है तो फार्मिंग के लिए क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लैंड तो अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल पीपल इंगेज इन एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टीवेशन तो उनको खेती करने के लिए सबके पास सफिशेंट लैंड नहीं होता हाउ लैंड इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ द पालमपुर तो पालमपुर में किस तरीके से लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है देखो वन थर्ड ऑफ द फोर फिफ्टी फैमिलीज आर लैंडलेस तो अगर मैं बात करूँ लैंडलेस फैमिलीज की तो वो कितनी हो गई वन थर्ड ऑफ द फोर्ट फोर फिफ्टी का मतलब कितना हो गया यानी कि वन फिफ्टी फैमिलीज़ के पास बिल्कुल भी जमीन नहीं है हैव नो लैंड फॉर कल्टिवेशन तो ठीक है तो सबसे पहले तो मैं टेबल बना लेना है उसमें लिखना है नो no लैंड कितने 150 फिफ्टी फैमिलीज ठीक है 450 में से 150 के पास नो लैंड ठीक है उसके बाद ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज वो ओन लैंड 240 फोर्टी फैमिलीज कल्टिवेटेड स्मॉल लैंड ऑफ प्लॉट लेस देन टू हेक्टेयर्स टेबल नंबर टू में क्या लिखोगे लेस देन टू हेक्टेयर्स ठीक है जिन जो छोटे किसान है लेस देन टू हेक्टेयर्स लेस देन टू हेक्टेयर्स वाले कितने हैं टू फोर्टी फैमिलीज ठीक है टू फोर्टी प्लस वन फिफ्टी ठीक है तो थ्री नाइन्टी फैमिलीज हो गई है तो कितनी बची सिक्सटी फैमिलीज बची जिनके पास कितनी जमीन है टू हेक्टेयर से ज्यादा है और दस हेक्टेयर से भी ज्यादा है उनके पास ठीक है उन्हें क्या कहा जाता है देखो इन्हें कहा जाता है लैंडलेस लेबर्स ठीक है लैंडलेस या लेबर्स कहा जाता है ठीक है इनके पास तो जमीन है ही नहीं इन्हें क्या कहा जाएगा स्मॉल फार्मर्स जिनके पास टू हेक्टेयर से कम है तो ये टू फोर्टी फैमिली क्या हो गई स्मॉल लेबर्स और जिसके पास six, जो ये लास्ट सिक्सटी फैमिलीज बची हैं जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं ठीक है इनके पास दो हेक्टेयर से ज़्यादा है और किसी किसी के पास दस हेक्टेयर से भी ज़्यादा ज़मीन है तो इन्हें क्या कहा गया है मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स कौन कौन से मीडियम और लार्ज फार्मर्स तो चाह चार ग्रुप समझ में आए तुम्हें देखो बेसिकली चार ग्रुप हो गए पहला लैंडलेस इनके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है उसके बाद स्मॉल फार्मर्स उसके बाद मीडियम फार्मर्स उसके बाद लार्ज फार्मर्स ठीक है जिनके पास दस एकड़ से दस हेक्टेयर से भी ज़्यादा ज़मीन है वो लार्ज फार्मर्स बाकी सब मीडियम फार्मर्स ठीक है तो कैसे कैसे हुआ लैंडलेस कितने हुए यानी नो लैंड वो कितने हो गए 150, small स्मॉल फार्मर्स and 60, एंड and मीडियम एंड लार्ज कितने हो गए 60 ठीक है तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है देखो यहाँ पर एक मैंने फिगर दिया हुआ है इस फिगर में तुम देख रहे होगे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड देखो ये वाला जमीन देखो ज्यादा बड़ी है ये वाली जमीन देखो बड़ी है ये वाली बड़ी है ये वाली बड़ी है जमीन ठीक है तो यहाँ पर देखो फिर छोटी जमीन आ जा रही है बीच में फिर छोटी ज़मीन ये देख रहे हो तुम तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड का एक गाँव में किस तरीके से डिविज़न रहता है खेतों का तो ये एक तरीके का प्लॉटिंग करी हुई है हमने पूरे गाँव की देखो ये जमीन पर यह उगाया जाता है तो डिफरेंट तरीके की लैंड है लैंड साइज जो है सबका डिफरेंट होता है एक स्टोरी समझते हैं उससे हम ये समझेंगे कंडीशंस कैसी थी पालमपुर में विलेजर्स के लिए या फार्मर्स के लिए इन 1960 गोविंद वाज अ फार्मर विद 225 ट्वेंटी फाइव हेक्टेयर्स ऑफ लार्जली अन इिगेटेड लैंड ठीक है तो एक गोविंद था जिसके पास कितनी जमीन थी 225 ट्वेंटी फाइव हेक्टेयर्स ऑफ लार्जली अन इिगेटेड लैंड था उसके पास यानी ज़्यादातर खेती करने लायक जमीन नहीं थी उसके पास विद द हेल्प ऑफ दिस हिज थ्री सन्स गोविंद कल्टिवेटेड द लैंड तो अपने जो भी थोड़ी बहुत जमीन उसके पास थी अनिगेटेड लैंड का मतलब ये होता है कि सिंचाई लायक ज़मीन नहीं थी उसके पास ठीक है विद द हेल्प ऑफ हिज थ्री सन्स गोबिंद कल्टिवेटेड द लैंड तो अपने तीन लड़कों के साथ वो क्या करता है ज़मीन को कल्टिवेट किया करता था खेती किया करता था उस पर दो दे डिड नॉट लिव वेरी कम्फर्टेबली वो अपनी एक कम्फर्टेबल लाइफ नहीं जी पा रहे थे उस टाइम पर द फैमिली मैनेज टू फीड इट्स विद अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा इनकम फ्रॉम वन बफेलो डेट द फैमिली पोजिस्ट ठीक है लेकिन एक कंफर्टेबल थोड़ी बहुत कंफर्टेबल लाइफ थी उनकी मतलब इतनी कंफर्टेबल नहीं थी पर इतना था कि वो अपने आप को खा खिला पाते थे और थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इनकम उनकी निकल जाती थी क्योंकि उनके पास एक एक बफेलो भी थी ठीक है जिसका मिल्क को यूज़ करके वो इनकम कमाते थे मतलब सेल आउट द मिल्क दूध को बेचकर वो पैसे कमा लिया करते थे ठीक है सम ईयर्स आफ्टर गोविंद्स डेथ जब गोविंद की डेथ हो जाती है दिस लैंड वाज डिवाइडेड अमंग हिज थ्री सन्स तो जो ये ज़मीन होती है ये बट जाती है उसके बेटों में ठीक है सॉरी ये टू ट्वेंटी फाइव हेक्टेयर नहीं ये है टू पॉइंट टू फाइव हेक्टेयर्स ठीक है याद रखना ये टू पॉइंट टू फाइव हेक्टेयर्स है ठीक है ईच वन ऑफ हैज़ अ प्लॉट ऑफ लैंड दैट इज ओनली जीरो पॉइंट सेवन फाइव हेक्टेयर्स इन साइज ठीक है तो जो तीन बेटे थे उसके उसमें डिवीजन हो गया वो और जब वो डिवीजन हुआ तो सबको कितनी मिली जीरो पॉइंट सेवन फाइव हेक्टेयर्स जमीन ठीक है जीरो पॉइंट सेवन फाइव हेक्टेयर तो इवन विद इम्प्रूवड इरीगेशन एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथर्ड गॉबिन सन्स आर नॉट एबल टू मेक अ लिविंग फ्रॉम देयर लैंड तो जब तीनों में बट गई टू पॉइंट टू फाइव हेक्टेयर ज़मीन थी वो तीनों में बट गई तीनों को कितनी मिली जीरो पॉइंट सेवन फाइव जीरो पॉइंट सेवन फाइव तो अब जबकि मॉडर्न मेथड्स आ चुकी थी इरिगेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुका था क्योंकि ट्यूबवेल आ गई थी ठीक है ये नाइनटीन सिक्सटीज़ के बाद की बात है जब गोविंद की डेथ हो जाती है लेकिन अब भी जो गोविंद के सन हैं जो बच्चे हैं उसके वो इतना नहीं कमा पाते कि वो अपनी फैमिली को चला पाए गोबिंदन आर नॉट एबल टू मेक अ लिविंग फ्रॉम देयर लैंड अपनी ज़मीन से इतना नहीं कमा पा रहे थे कि वो अपनी जीवन को आसानी से जी पाएं दे हैव टू लुक फॉर द एडिशनल वर्क ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ द ईयर और उन्हें क्या करना पड़ता था एक्स्ट्रा काम करना पड़ता था साल में ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा पाए ठीक है।, है तो तुम्हें एक बात समझ में आई कि ये किस तरीके के आ, किस तरीके के लैंड था तो ये एक तरीके से समझो कि कौन से लोग हैं स्मॉल फार्मर्स हैं तो स्मॉल फार्मर्स की कंडीशन देख रहे हो पालमपुर के अंदर ठीक है तो इस तरीके की कंडीशंस थी पालमपुर में स्मॉल फार्मर्स की तो बहुत ज़्यादा बेकार स्थिति स्थिति थी उनकी वो विल प्रोवाइड द लेबर अब हम बात कर, अभी तक हमने बात करी स्मॉल फार्मर्स की अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ठीक है Uh, जो ये स्मॉल फार्मर्स होते थे ये लेबर के तरीके से काम करते थे या फिर जो जिनके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है वो भी किस तरीके से काम करते थे एज अ लैंडलेस लेबर जिनके पास ज़मीन नहीं हुआ करती थी तो आफ्टर लैंड लेबर इज़ द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन तो लैंड के बारे में हमने बात कर ली है कि कौन कौन सी ज़मीन हुआ करती थी किस किस को कितनी ज़मीन मिली हुई थी स्मॉल फार्मर्स को कितनी थी लैंडलेस फार्मर्स को कितनी थी मीडियम और लार्ज फार्मर्स को कितनी थी अब हम बात कर रहे हैं लेबर्स की क्योंकि हमने देखो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा था उसमें सबसे पहला फैक्टर था लैंड दूसरा क्या था लेबर ठीक है तो लेबर की बात करते हैं फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क ठीक है फार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की रिक्वायरमेंट होती है स्मॉल फार्मर्स अलोंग विद देयर फैमिलीज कल्टिवेटेड देयर ओन फील्ड जो ज़्यादातर स्मॉल फार्मर्स होते हैं तो देखो डिवीजन याद रखना तुम पहला डिवीजन है लैंडलेस लेबर्स यानी कि नो लैंड जिनके पास जो नो no लैंड है उसके पास स्मॉल फार्मर्स उसके बाद मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स ठीक है ये एक ही कैटेगरी के होते हैं तो जो लैंडलेस फार्म जो स्मॉल फार्मर्स होते थे अलोंग विद देयर फैमिलीज़ कल्टीवेटेड देयर ओन फील्ड तो जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो अपनी ज़मीन खुद बोते हैं खुद कल्टीवेट करते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ मतलब अपनी पूरी फैमिली उसमें लगी रहती है दस दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग दैमसेल्फ तो वो लेबर किस तरीके से लेते हैं अपने आप यानी अपनी फैमिली से ही उन्हें क्या मिल रही है लेबर मिल रही है तो फार्म लेबरर्स कम मीडियम और जो लार्ज फार्म ये तो था स्मॉल फार्मर्स की बात अब हम बात कर लेते हैं मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स की वो क्या करते हैं फार्म लेबर्स को हायर करते हैं ठीक है टू वर्क ऑन देयर फील्ड्स तो मीडियम एंड लार्ज फार्मर हायर फार्म लेबर टू वर्क ऑन देयर फील्ड तो मीडियम और जो लार्ज जिनके पास जमीन ठीक ठाक होती है वो क्या करते हैं हायर करते हैं आ, किसको फार्म लेबरर्स को अपने फील्ड में काम कराने के लिए फार्म लेबरर्स कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टीवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड तो अभी ये बताया ना मैंने जो ये लेबर है जो हायर लेबर है कहाँ से आएगी ये जो लैंडलेस लेबर है जो गांव में जिसके पास बिल्कुल जमीन नहीं है नो no लैंड है जिनके पास और या जो जिनके पास बहुत ही स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड है यानी स्मॉल फार्मर्स हैं जो वो लोग एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए क्या करते हैं जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं उनके फील्ड पे काम करते हैं अनलाइक फार्मर्स फार्म लेबरर्स डो नॉट हैव अ राइट ओवर द क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड तो जिस तरीके से एक फार्मर होता है जिसके पास अपनी खुद की ज़मीन होती है तो उसका अधिकार होता है उसकी खेती पर लेकिन जो ये फार्म लेबरर्स होते हैं इनके इनका कोई अधिकार नहीं होता क्रॉप्स पे जो भी उग रहा है उससे कोई मतलब नहीं होने उन्हें सिर्फ़ उनके पैसे मिलते हैं काम करने के लिए इंस्टेट दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर फॉर वूम दे वर्क तो वेजेस मिलते हैं उन्हें वेजेस का मतलब होता है डेली डेली कुछ जो सैलरी मिलती है डेली पेमेंट जो होती है उसे वेजेस कहा जाता है तो वेजेस कैन बी इन कैश और इन काइंड ऑफ अ क्रॉप ठीक है तो जो ये वेजेस मिलती है उन्हें या तो उन्हें पैसों के रूप में मिल सकती है या फिर उन्हें क्रॉप के रूप में मिल सकती है कि थोड़ी बहुत क्रॉप उन्हें दे दी जाए ठीक है देर इज़ आल्सो अ वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इसमें बहुत ज़्यादा डिफर देखो फार्मिंग जो है वो परमानेंट नहीं है तो इसमें बहुत ज़्यादा वेराइटी वेरिएशन रहता है इन द ड्यूरिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो कभी बहुत ज़्यादा काम होता है कभी बिल्कुल काम नहीं होता तो इसलिए ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहता है वेरिएशन रहता है उसमें अ फार्म लेबरर्स माइट भी एम्प्लॉयड ऑन अ डेली बेसिस और फॉर वन पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी लाइक हारवेस्टिंग और होल ईयर तो तीन तरीके के काम समझ लो इसे देखो फार्म लेबर्स या तो डेली बेसिस पे रहेंगे कि उन्हें डेली के लिए एक दिन के लिए बुला लिया दो दिन के लिए बुला लिया इस तरीके से काम लिया जाता है या फिर एक सीजन के लिए बुला लिया जाता है कि हार्वेस्टिंग का जब समय आता है एक महीने के लिए तुम तो हायर कर लिए जाते हैं एक महीने के लिए या फिर कुछ लेबर्स होते हैं जो कि पूरे साल के लिए भी हायर किए जाते हैं तो एक स्टोरी दी हुई है एन में उस स्टोरी को समझते हैं डाला इज़ अ लैंडलेस फार्म लेबर हु वर्क्स ऑन अ डेली वेजिस इन पालमपुर तो डाला एक लैंडलेस फार्मर है जो कि पालमपुर में वर्क करता है डेली वेजिस पे दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क तो डेली वेजिस पे काम कर रहा है तो उसे रोज काम ढूंढना होगा तभी तो उसे तभी तो कुछ कमा पाएगा ठीक है द मिनिमम वेज फॉर अ फार्म लेबर सेट बाय द गवर्नमेंट इज़ रुपीज थ्री हंड्रेड पर डे मार्च 2017 के अकॉर्डिंग जो फार्म लेबर्स हैं उनके लिए जो गवर्नमेंट ने एक मिनिमम अमाउंट सेट किया हुआ है वो है डेली वे जिसका रुपीज़ थ्री हंड्रेड पर डे ठीक है बट डाला गेट्स ओनली रुपीज़ डाला गेट ओनली रुपीज़ वन सिक्सटी पर डाला को कितने मिलते हैं केवल वन सिक्सटी रुपीज़ देर इज़ अ फ्यू कॉम्पिटिशन फॉर वर्क अमॉन्ग द फार्म लेबरर्स इन द पालमपुर तो ये क्या रीज़न है कि इसे इतना कम मिल रहा है ठीक है एक तो देखो अनएम्प्लॉयमेंट ठीक है बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी होती है और बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है फार्म लेबरर्स के लिए कि बहुत सारे लोग होते हैं जो काम करना चाहते हैं तो इस वजह से जो जो फार्म ओनर्स होते हैं वो इनका इसका फ़ायदा उठाते हैं और वो कम सैलरी कम पैसे देते हैं उन्हें सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर लो वेजेस और वो लोग कम पैसों में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं डाला कंप्लेन्स अबाउट हिज सिचुएशन टू रामकली और जो डाला है वो अब ये वाली सिचुएशन की कंप्लेन कर रहा है रामकली से वो इज़ अनदर फार्म लेबरर वो भी एक दूसरी फार्म लेबरर है ठीक है बोथ दाला एंड रामकली आर गा राम अमंग द दूरस्ट पीपल इन द विलेज तो जो ये दाला और रामकली हैं दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि हमें कम पैसे मिलते हैं तो जैसे लोग बात करती हैं तो इस तरीके से और वो People है, village इस situation पे, दो क्वेश्चन है एनसीआर टी में वो समझो। जो ये वेजेस है फॉर फार्म लेबरर्स ये इतनी कम क्यों थी वाई आर द वेजेस फॉर फार्म लेबरर्स इन पालमपुर लेस देन द मिनिमम वेजेस जो मिनिमम वेजेस कितनी थी थ्री हंड्रेड रुपीज और इनको कितनी मिल रही है वन सिक्सटी रुपीज़ तो ये कम क्यों थी देखो लेबरर्स आर पेड वेज आइदर इन द कैश और इन काइंड सच एज क्रॉप्स तो ये तो मैं समझ में ही आता है कि लेबरर्स को कैसे पैसे पे किए जाते थे या तो कैश में या फिर क्रॉप्स दी जाती थी उन्हें देयर एग्जिस्ट अ कम्पटिशन अमंग लेबरर्स फॉर वर्क सो दे आर विलिंग टू वर्क फॉर लेसर अमाउंट ठीक है बहुत ज़्यादा क्या था कंपटीशन था लेबरर्स के बीच में बहुत ज़्यादा लोग थे ठीक है सो दे आर विलिंग टू वर्क फॉर लेस अमाउंट तो वो मान जाते थे कम अमाउंट पर भी काम करने के लिए देर इज एन इंक्रीज सप्लाई ऑफ लेबर दैन डिमांड तो और ये रीजन क्या था इसका क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा थी और डिमांड बहुत कम थी समझ लो सप्लाई ऑफ लेबर जो है बहुत ज़्यादा थी एज कंपेयर टू द डिमांड रिजल्ट रिजल्ट लेबर लेबर पेड लेस देन द मिनिम वेज इसी कारण से जो लेबरर्स थे उनको कम पैसे दिए जाते थे मिनिमम वेजेस से ये पूरी ही पूरे इंडिया में इसी तरीके से होता है फार्म लेबरर्स को कम पैसे दिए जाते हैं एम्प्लॉयमेंट इज़ लेस देखो क्या होता है रीज़न क्या है पूरी इंडिया में ऐसा रीज़न हमें पूरे इंडिया का रीज़न समझना होगा पहला पॉइंट है देखो एम्प्लॉयमेंट इज़ लेस एंड फार्मर्स फार्मर्स आर मोर एंड देर फोर फार्मर्स विद वाट दे आर अर्निंग जो एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत कम है फार्मर्स जो हैं वो जो ले, लेबर है वो बहुत ज़्यादा है तो फार्मर्स को मतलब जो, जो भी लेबर है उसको क्या करना होगा जितना भी है उसी में से काम चलाना पड़ेगा लैंड इज़ ओन्ड बाय द लैंड लॉड्स वो डिज़ायर टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट बाय गिविंग मिनिमम वेजेस और जो ये लैंड है जो बड़े बड़े जमींदार होते हैं इनकी ज़मीनें होती हैं ये ठीक है तो ये क्या करते हैं जो ये फार्मर्स होते हैं या फिर तुम इन्हें कह सकते हो फार्म लेबरर्स जो होते हैं इनका शोषण करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट कमाते हैं कम से कम सैलरी देकर क्योंकि क्या है क्योंकि इनकी रिक्वायर एम्प्लॉयमेंट तो कम है और ज़्यादा बहुत फार्मर्स बहुत ज़्यादा हैं द फार्मर्स आर इलिटरेट एंड अन अवेयर ऑफ द मिनिमम अमाउंट सेट बाय द गवर्नमेंट और तीसरा रीज़न क्या है क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं होते अनपढ़ होते हैं और ये इन्हें पता नहीं है कि मिनिमम अमाउंट गवर्नमेंट ने क्या सेट किया हुआ है इसलिए अपनी बात कभी रख ही नहीं पाते ठीक है ना ही इन्हें उनके खिलाफ जा पाते ठीक है तो अब हम बात करने वाले हैं कैपिटल नीडेड इन द फार्मिंग तो कैपिटल क्या होता है देखो कोई भी फार्मिंग करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होता है कैपिटल कैपिटल होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट याद रखना क्या होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट अब तुम खेती करने स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हें कुछ ना कुछ पैसा चाहिए तो जो वो पैसा रिक्वायर्ड होता है उसे क्या कहा जाता है कैपिटल क्या क्या रिक्वायरमेंट है तुम्हारी चीज़ों की तुम्हें कुछ काम करना स्टार्ट कर रहे हो तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो सब क्या कहलाता है कैपिटल कैपिटल वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ मनी यानी कि पैसे कोई भी चीज़ यानी वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ मनी और एसेट्स ओन्ड बाय अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन और अवेलेबल फॉर द पर्पज सच एज स्टार्टिंग अ कंपनी और इन्वेस्टिंग ठीक है अगर तुम कंपनी स्टार्ट कर रहे हो या कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो तो जो तुम्हें चाहिए रिक्वायरमेंट होती है मनी के फॉर्म में या एसेट के फॉर्म में उसे क्या कहा जाता है कैपिटल यू हैव ऑलरेडी सीन डैड मॉडर्न फार्मिंग मैथड्स रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल तो जो मॉडर्न फार्मिंग मैथड्स हैं जैसे अभी अब हमने समझा था कि बहुत ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है ट्रैक्टर थ्रेशर ये सब चीज़ें खरीद हैं तो तुम्हें क्या चाहिए बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए ठीक है अब हम पैसे नहीं बोलेंगे हम क्या बोलेंगे कैपिटल याद रखना तो किसी भी काम को करने के लिए जो स्टार्टिंग में मनी या इक्विपमेंट्स या कोई चीज़ों का समा एसेट्स की रिक्वायरमेंट होती है उसे क्या कहा जाएगा कैपिटल तो मोस्ट स्मॉल फार्मर हैज़ टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल जो ज़्यादातर स्मॉल फार्मर्स होते हैं उन्हें क्या करना पड़ता है बोरो करनी पड़ती है मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल पैसे की रिक्वायरमेंट को कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए उन्हें क्या चाहिए उन्हें वो क्या करते हैं बोरो करते हैं बोरो मतलब लोन की फॉर्म में पैसे उन्हें चाहिए होते हैं दे बोरो फ्रॉम द लार्ज फार्मर्स और द विलेज लैंड ओनर्स लैंड लैंड सॉरी मनी लैंडर्स और द ट्रेडर्स वो सप्लाई वेरियस इनपुट फॉर कल्टीवेशन तो ये लोग कहाँ से लेते हैं जो ये स्मॉल फार्मर्स हैं ये कहाँ से पैसे बोरो करते हैं ये बोरो करते हैं लार्ज फार्मर्स से ठीक है या फिर मनी लैंडर से मनी लैंडर कौन होते हैं जो कि पैसे उधार देते हैं या फिर ट्रेडर्स से उधारी में ले आते हैं ट्रेडर्स कौन होते हैं व्यापारी जो कि मशीनें या बीज देते हैं उनसे ये उधारी में ले आते हैं ठीक है द रेट ऑफ़ इंटरे इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स इज़ वेरी हाई द रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बहुत ज़्यादा हाई होता है इस पर दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रिपे द लोन रेट ऑफ़ इंटरेस्ट जब भी जो कि अगर लार्ज फार्मर किसी भी स्मॉल फार्मर को लोन देगा तो वो उसे बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देता है ठीक है या कोई भी लोन जो गाँव में लिया दिया जाता है वो बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ़ इंटरेस्ट पर लिया दिया जाता है और उसे पे करने के लिए वापस उन्हें बहुत ज़्यादा मुश मुश्किल होती है जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं ठीक है तो अब हम बात कर रहे थे कि कैपिटल्स कैसे कैसे रिक्वायर्ड होते हैं और कैपिटल्स कहाँ से लेते हैं ये स्मॉल फार्मर्स तो स्मॉल फार्मर्स के हमने बात कर ली थी हाउ देखो अब क्वेश्चन भी है एन का हाउ डू मीडियम एंड अ लार्ज फार्मर्स ऑप्टेन कैपिटल फॉर फार्मिंग जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं वो कहाँ से कैपिटल कहाँ से बनाते हैं मतलब उनके पास पैसा कहाँ से आता है एंड हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्राम द स्मॉल फार्मर्स तो मैंने अभी बताया था स्मॉल फार्मर्स के बारे में हमने बात कर ली थी मोस्ट स्मॉल फार्मर हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल तो वो बोरो करते हैं या तो लार्ज फार्मर्स है या मनी लैंडर्स से या ट्रेडर्स से और उसका बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्हें देना होता है अब हम बात कर लेते हैं मीडियम और लार्ज फार्मर्स को वो कहाँ से उनके पास कहाँ से कैपिटल आता है हैव देयर ओन सेविंग्स फ्रॉम द फार्मिंग क्योंकि उनके पास बहुत बड़े लैंड होते हैं ज़मीन बहुत बड़ी होती है तो उनकी जो सेविंग्स होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा होती हैं हैव देयर ओन सेविंग्स फ्रॉम द फार्मिंग तो उनके पास सेविंग्स होती हैं फार्मिंग से जो कमाते हैं उससे कुछ ना कुछ पैसे उनके पास बचे होते हैं दे यूज़ दिस सेविंग्स टू अरेंज फॉर द नेक्स्ट ईयर्स कैपिटल तो जो अगले साल की खेती करनी होती है उन्हें तो उस चीज़ के लिए उनका कैपिटल पहले से ही तैयार रहता है एंड मेक हाई प्रॉफिट्स बाय सेलिंग सरप्लस प्रोडक्शन एंड अर्निंग हायर अमाउंट्स जो भी सरप्लस प्रोडक्शन उन्होंने की उससे ये क्या करते हैं उसे सेल आउट कर देते हैं और उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं मेक हाई प्रॉफिट्स एंड अर्निंग हाई हायर अमाउंट्स तो उससे ये पैसा कमा लेते हैं क्योंकि उनके पास ज़मीन ज़्यादा होती है तो इनके पास प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होती है और प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो इनके पास सरप्लस प्रोडक्शन हो गई तो वो उसे क्या करेंगे मार्केट में बेचेंगे और मार्केट से बेचने से उनको प्रॉफिट मिलता है और उससे उनकी अर्निंग होती है ठीक है समटाइम्स दे डिपॉजिट देयर सेविंग्स इन द बैंक और फिर वो सेविंग्स जो इन्होंने बचाई है उसको या तो ये बैंक में डाल देते हैं या फिर जैसे कि ये लैंड करते हैं ज़्यादातर ठीक है लैंड देयर मनी टू द स्मॉल फार्मर्स एल ई एन डी आई ये ठीक है एल ई एंड डी लैंड देयर लैंड दे आयर मनी टू स्मॉल फार्मर्स पैसे उधारित देते हैं और उससे पैसा कमाते हैं ये ले। और सेव देर सेविंग्स बाय कैटल ट्रक ट्रक और टू सेटअप शॉप्स ठीक है गाय भैंस खरीदते हैं या ट्रक खरीदते हैं या फिर अपनी शॉप्स भी खोल लेते हैं ये लोग इन्वेस्ट करते हैं पैसा मतलब ठीक है इस तरीके से जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं वो अपना कैपिटल जनरेट करते हैं जनरेट ठीक है पैसा से पैसा कमाते हैं कैसे कैसे कमा रहे हैं पहला या तो फिर वो लैंड कर रहे हैं पैसा उधारी में देते हैं स्मॉल फार्मर्स को या फिर वो क्या करते हैं बैंक में डालते हैं पैसा तो आज हमने ये समझा फा, स्मॉल फार्मर्स मीडियम फार्मर्स और लार्ज फार्मर्स तक ठीक है कल आगे हम पार्ट फोर करेंगे जो लास्ट पार्ट होगा इसका थैंक यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब